Hey, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव है ब्रो। आज हम बात करेंगे फास्ट वीपीएन प्रोक्सी मास्टर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यूज करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम इस एप्लीकेशन से फायदा ले सकते हैं या फिर हो सकता है हमें इस एप्लीकेशन से नुकसान, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक के देखना अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है। रेटिंग पॉइंट की बात करें 3.9 है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ये एप्लीकेशन रिलीज हुआ 30 जून 2022 को और 5 जून 2023 को अपडेट भी हो चुका है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर दे और आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताए थे ताकि आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में जरा सी भी दिक्कत और परेशानी ना हो। जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमको देखने के लिए मिल जाता है। डायरेक्टली कनेक्ट करने का ऑप्शन हमारे सामने आता है, लेकिन आपको कनेक्ट नहीं करना है, आपको बैक के बटन पे एक बार क्लिक कर देना है तो कनेक्ट करने का ऑप्शन हट जाता है। आपको सबसे पहले ऊपर की साइड जाना है सुपर फास्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर अलग अलग 4 ऑप्शन मिलेंगे, अब इसमें से कौन सा सही है आपको ये समझना है। सबसे पहले दोस्तों आपको नीचे साइड में 4th नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 4th पे हम जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पे कनेक्टेड वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब बात करें इस एप्लीकेशन की मेन टॉपिक की दोस्तों, इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे और क्या क्या काम में यूज किया जाएगा। अभी हमने कनेक्ट तो उसको कर लिया है, नोटिफिकेशन भी हमको देखने के लिए मिल गई, यूनाइटेड स्टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन को ज्यादातर गेम में यूज किया जाता है और आप इस एप्लीकेशन को क्यों यूज करना चाहते हैं और किस काम में यूज करना चाहते हैं अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि आप अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का तरीका कि इस एप्लीकेशन को आप कैसे कैसे हम अलग अलग कामों में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि हर वीडियो के अपडेट आपको मिल सके।